जैसे लाइट भी चली गई। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना यही होता है, ये लाइट वाले ना कसम खा के बैठे हैं कि मीना को वीडियो नहीं बनाने देना है। जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ तब भी चली जाती है लाइट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना, अपनी फैमिली का और खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं, बच्चों से ही रिलेटेड वीडियो है ये, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में मीशो किड्स हॉल शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ प्रोडक्ट मीशो से परचेस किए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक मैं हॉल वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ में शेयर करूं। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। आपको यहाँ पे नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एक रेड बटन मिलेगा, उसको प्रेस करिएगा। उसके बगल बेल का आइकन आएगा, उसको प्रेस करिएगा और जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। तो आपको जैसे लाइट भी चली गई, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना यही होता है, ये लाइट वाले ना कसम खा के बैठे हैं कि मीना को वीडियो नहीं बनाने देना है। जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ तब भी चली जाती है लाइट। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। सो मैं देख ही कर रही थी, लाइट आ गई है और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो पसीना बहाते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या करूँ, हम लोगों का काम ही ऐसा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो या बरसात हो, काम तो करना ही करना है ना। तो इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। प्लीज लाइक, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन मदर के लिए जिनके ज्यादा बातें नहीं करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और आपको जैसे पता है कि मीशो इंडिया का बेस्ट रिसेलिंग ऐप है, आप मीशो से प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, है ना। तो ये है कुछ प्रोडक्ट, तो ये है कुछ प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से परचेस किए हैं। क्या क्या है इसमें चलिए देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी वाली डॉटर की ड्रेस। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए मंगाया था ये सरारा, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही मतलब क्यूट सा ये सरारा है। तो सबसे पहले मैं इसकी कुर्ती दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी कुर्ती है, कुछ इस तरह सा इसका नेक बना हुआ है और ये रेड कलर में है। कौन सा रेड है, थोड़ा सा ना गाजरी रेड करके है, पूरा वैसा रेड नहीं है, खुला वाला गाजरी रेड करके है, थोड़ा सा ऑरेंज सर शेड है इसमें। तो इस तरह से फुल स्लीव मिल जाती है और ये मैंने मंगाया था 3 से 4 ईयर बेबी के लिए और इसमें जो साइज है 24 है, 24 साइज का है ये। तो इस तरह से पूरी कुर्ती है और ये शार्ट कुर्ती आएगी, कमर तक की ही आएगी, ये शार्ट कुर्ती है और मैं पिक्चर यहीं पे लगा दूंगी अपनी बेबी की, तो आप लोग देख लीजिएगा पहनने के बाद कैसा लगता है। तो इस तरह से कुर्ती है और स्ट्रेट कुर्ती है छोटू सी और यहाँ पे देखिए कट है और पीछे देखिए ऐसे एक लाइनिंग बनी हुई है, गोल्डन कलर का फैब्रिक लगा हुआ है जो कि ब्रोकेट वाला फैब्रिक आता है उसका, यहाँ पे डिजाइनिंग दी गई है और पीछे जिप मिल जाती है जो कि बच्चों के कपड़ों में होना चाहिए क्योंकि पहनने में बहुत ही इजी हो जाता है, पहनाने में इजी हो जाता है माओ के लिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, गड़ रहा है चुभ रहा है, तो पहनाने के लिए इजी हो जाता है। और यहाँ पे बटन की डिटेलिंग मिल रही है, गोल्डन कलर की बटन लगी हुई मिल जाती है। तो इस तरह से पूरी कुर्ती है ये और इसका जो कुर्ती का फैब्रिक है ना वो 8 सिल्क के कपड़े का है जो कि फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है और अभी वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है तो अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो शादी में तो इसको बच्चे पहनेंगे ना बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें आप देखिए लाइनिंग मिल जाती है, कॉटन की लाइनिंग मिल जाएगी आपको इस तरह से रेड कलर की लगी हुई। तो ये कुर्ती है, इसका जो मेन पार्ट है इसका शरारा है, वाओ। तो इस तरह से मस्टर्ड येलो कलर का ये आपको शरारा मिल जाता है, बहुत ही क्यूट सा शरारा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए गैदर डले मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे इस तरह से लेस लगी मिल जाती है आपको, इतना घेरा मिल जाता है जो कि बच्चों के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा घेरा आपको मिल जाता है। इस तरह से लेस की डिटेलिंग हो रखी है जो कि रेड और गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है और पूरा शरारा इस तरह से प्लेन आएगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे दाम पे मिला है मुझे। तो ये मेरी डॉक्टर को बहुत पसंद आया था जब मैंने इसको होली पे मंगाया था, तो होली पर जब उसने पहना था तो सबको बहुत पसंद आया और इसको पहनने के बाद ना फीस कट थोड़ा सा लुक आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए
तो मेरा फर्स्ट ड्रेस ये है मेरे बेबी की, एंड जो सेकेंड ड्रेस है अभी उसको तो मैंने मतलब पहना के चेक भी नहीं किया कि कैसा है। तो मैंने एक ये इसका टॉप का सेट मंगाया था जो कि बहुत ही सुंदर है। मैसेज आ रहा है, सॉरी। तो इस तरह से मैं पहले टॉप दिखा देती हूँ। तो ये पीच कलर में आपको टॉप मिल जाती है, और यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का पुलका डॉट आप देख रहे हो। पुलका डॉट वाले जितने भी ड्रेस होते हैं मुझे बहुत पसंद होते हैं, चाहे बच्चों के हो, चाहे बड़ों के हो, या फिर साड़ियाँ हो, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये ऐसा कलर है ना कि समर के लिए बेस्ट है, आप कहीं बाहर जा रहे हो ना तो उसके लिए बेस्ट है। यहाँ पे इस तरह से आपको बेल्ट टाइप का, बेल्ट नहीं है, ऐसे फैब्रिक लगा दिए हैं थोड़ा सा अच्छा लुक आने के लिए। और यहाँ पे इस तरह से देखिए स्ट्रेचेबल फैब्रिक लगा हुआ है, ये पहनने के बाद यहाँ कमर पे एडजस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छा सा लुक आता है। स्लीवलेस है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे एक फ्लावर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है, रोज बना हुआ है। बैक से पूरा प्लेन है, और ये भी मैंने 3 से 4 ईयर बेबी के लिए मंगाया था। और इसमें जो देखिए 28 साइज है, इसमें 3 से 4, हर ब्रांड का ना अपना अलग अलग साइज हो जाता है। तो ये MD गारमेंट्स से है, और यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, ये कॉटन में है पूरा। और अंदर आपको इस तरह से लाइनिंग मिल जाती है, और काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया है, ये भी ड्रेस। और इसमें ये बेल्ट, ओ सॉरी, ये स्कर्ट मिल जाती है, जो कि स्कर्ट मैंने अभी ओपन भी नहीं की, आपके सामने ही ओपन कर देती हूँ। नीचे सिलन लगी हुई होती है ना, फोल्ड किए रहते हैं। तो इस तरह से आपको नेवी ब्लू कलर की जो है स्कर्ट मिल जाती है, और पीच कलर जो हमारे टॉप का कलर है वो यहाँ पे देखिए पुलका डॉट हो रखा है यहाँ पे। और ये ऊपर से पेंटिंग की गई है, जो इस पे ये जो प्रिंट है ना ऊपर से की गई है, पता नहीं वॉश के बाद निकलेगा कि नहीं, ऐसे निकल तो नहीं रहा है खुरचने पे नाखून से, तो आई थिंक ना निकले तो बेटर है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए जीन्स वाला पैटर्न मिल जाता है, और अगेन ये भी कॉटन की स्कर्ट है, थोड़ा सा ऊपर जीन्स का पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे लूप लगे हैं बेल्ट के लिए, और इसमें प्लेटेड स्कर्ट है जैसे कि आप देख सकते हो, और अच्छा खासा घेरा मिल जाता है। और ये स्कर्ट आपको पहनाने के बाद में ना घुटने तक की आएगी, तो शॉर्ट स्कर्ट ही है ये, शॉर्ट ड्रेस। तो इस तरह की स्कर्ट है, और इसमें इस तरह से ऑरेंज कलर की एक बेल्ट मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैं पहनाने के बाद पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे कैसी लग रही है। एंड अगेन फिर मैंने मंगाया है यहाँ पे एक अपने छोटी वाली डॉटर के लिए ही एक इस तरह से डेनिम मैंने मंगाई है। डेनिम इस तरह से है, इसको मैंने पहना के चेक किया था तो काफी अच्छी लग रही थी। और ये भी मैंने 3 से 4 ईयर बेबी के लिए मंगाया है, क्योंकि मेरी डॉटर 3 ईयर की है। ये भी 28 नंबर है लिखा हुआ है, और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। थोड़ी सी मतलब इसकी लेंथ जो है लंबी है, बट कोई नहीं, बच्चे तो बढ़ते ही हैं, तो मोड़ के भी हम इसको पहना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर है इसका, और यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिजाइनिंग मिल जाती है, थ्रेड वर्क है, यहाँ पे स्टोन लगा है जैसे कि बच्चों की होती है जीन्स, ये देखिए। तो इस तरह से जीन्स हो गई, मैं फटाफट से दिखा रही हूँ, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करती हूँ, और सबका मैं पिक्चर लगा दूंगी स्क्रीन पे। एंड उसके बाद मैंने मंगाई है ये एक ड्रेस, ये एक पार्टी वियर ड्रेस है जो कि रेड ब्लैक कलर में है, सीक्वेंस वर्क वाली ड्रेस है ये। तो ये इसको मैंने एक्चुअली मीशो से नहीं लिया है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वाले वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही सीक्वेंस वर्क वाली ड्रेस आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, चाहे बड़ों का हो चाहे बच्चों का, ब्लाउज वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है, ये भी मैंने 3 से 4 ईयर बेबी के लिए मंगाया है। और इसमें जो है इसका लेबल नहीं दिख रहा है, इसमें लेबल लगा ही नहीं है, है सॉरी, ये 26 साइज में है, लेकिन ये फिटिंग का है, आपको यहाँ घुटने तक की ये ड्रेस मिल जाती है। ये मिडी टाइप की ड्रेस है, और इसमें आपको कॉलर मिल जाता है, पीछे वी नेक मिलेगा, पीछे प्लेन वेलवेट लगा हुआ है, और इस तरह से आपको बेल्ट मिल जाती है बांधने के लिए। तो ये मेरी डॉटर के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये हाई नेक कॉलर मिलती है यहाँ पे इस तरह से, इसका भी मैं पिक लगा दूंगी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो
ये भी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ये आपको गाइस ये आपको अंडर 400 मिल जाएगी। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है और इसमें आपको एक हैंडबैग मिल जाती है, और ये हैंडबैग देख के मेरी डॉटर तो बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा खुश हो गई थी। तो आपको इस तरह से हैंडबैग मिल जाती है, और इसमें कुछ ऐसे रख के आया है, अभी तक मैंने इसको निकाला भी नहीं। तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था पहनने के बाद में। मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है ये, पार्टी वियर। तो मेरी डॉटर तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी इसको देख के। तो हमारी नेक्स्ट ड्रेस ये हो गई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने बड़ी वाली डॉटर के लिए ये वाली टी शर्ट मंगाई थी। ये वाली टी शर्ट के रिव्यू मैंने बहुत ज्यादा देखे थे, अधिकतर जो ब्लॉगर हैं सब लोग मतलब इसको, इस वाली जो टॉप है, सॉरी टी शर्ट नहीं टॉप, इसको काफी ज्यादा शेयर कर रहे थे अपने हॉल में। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको अपने डॉटर के लिए मंगाती हूँ। एक्चुअली ये मुझे भी फिट आ जाती है, मेरे डॉटर को भी आ जाती है। आप लोग जो अगर मैं पहले मेरे ब्लॉग देखते रहे होंगे उनको पता है कि मेरी डॉटर कैसी है। तो अगर जो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, तो उसको भी आ जाती है सेम साइज, मुझे उसे आती है। तो ये मैंने यहाँ पे मीडियम साइज मंगाया है। हाँ ये मीडियम साइज है, इसके लेबल ने लिखा है, लेकिन बट मैंने मीडियम साइज मंगाया था। और ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा सा पैरट ग्रीन नहीं बोलते हैं, नियॉन ग्रीन शायद बोलते हैं। तो इस तरह से है, इस तरह से पफ स्लीव है, आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है पफ स्लीव। और इसका जो कपड़ा है कॉटन है, जैसे वो बनियान का कपड़ा होता है उसी टाइप का है। एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है कौन सा कपड़ा है, बट स्ट्रेचेबल है, आप देख सकते हो। हाई नेक है इसमें, और आगे पीछे से बराबर है, आप किसी तरफ से भी पहन सकते हो, आगे या पीछे से, इसमें कुछ है ही नहीं। और इस तरह से यहाँ पे स्लीव पे भी इस तरह से ये वाला कपड़ा लगा हुआ है। तो पिक्चर में लगा दूंगी पहनने के बाद कैसी लगती है। तो ये हमारा टॉप है, इसको मैंने मीशो से ही मंगाया है। एंड उसके बाद ये दो बैग है, ये मैंने नहीं मंगाया है, इसको मेरी डॉटर के बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने मीशो से ही मंगा के गिफ्ट किया है मेरे बच्चों को, और इसको मीशो से ही मंगाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूं कि कैसा आया है। तो फर्स्ट जो मेरी बड़ी वाली डॉटर के लिए ये क्यूट सी बैग है, कैट बनी हुई है इस पे। तो ये लेदर की है, और ये बैकपैक का बहुत अच्छे सा काम करती है। आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, कुछ खाने पीने की चीजें रख लो, या फिर कोचिंग के लिए भी बेस्ट है, बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो रख ले। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन ही चल रहा है, सब स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद है, लेकिन बाहर घूमने भी जा रहे हो आप, थोड़े से सामान खाने पीने के या फिर कुछ भी अपने जरूरत का सामान रख लो तो अच्छा। ये बेस कलर में है, और ये देखिए इस तरह से कैट बनी है, और अच्छा खासा इसमें स्पेस मिल जाता है। ये देखिए ऊपर का स्पेस है, और इसमें 3 चैन मिल जाते हैं। ये देखिए छोटी सी है बट स्पेस इसमें काफी अच्छा खासा मिल जाता है। अंदर इस तरह से इसमें फैब्रिक लगा है अस्तर का, अंदर भी एक पॉकेट मिल जाती है आपको, और इस तरह से आपको पीछे मिल जाता है टांगने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी है, इसका भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो और जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये लास्ट प्रोडक्ट भी है। तो ये भी एक बैग है, ये देखिए इसमें किट्टी बनी हुई है, हेलो किट्टी। तो ये भी पिंक कलर का है, और ये वेलवेट में है, जो आता नहीं वो फॉर्म वाला, बहुत ही सॉफ्ट है ये मटेरियल इसका। तो ये देखिए बैग से इस तरह से है जैसे होता है, और फ्रंट से इस तरह से है, फ्रंट का लुक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे किट्टी देखिए कितना अच्छा बो वगैरह लगाई हुई है। इसमें आपको 2 पॉकेट मिल जाता है, और इसकी जो कैपेसिटी है काफी ज्यादा अच्छी है, आप देखिए काफी ज्यादा स्पेस है। आप अगर बच्चा अभी तो, जैसे मेरी डॉटर का अभी अभी एडमिशन हुआ है, अभी क्या फरवरी में ही एडमिशन हो गया था, बट अप्रैल से क्लास चलनी थी बट बंद हो गया है, जैसे कि छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों सभी के स्कूल इस समय बंद हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं। और मेरी डॉटर के लिए मेरी सिस्टर ने ये मंगाया था कि स्कूल अपना लेके जाएंगी, तो नर्सरी में अभी एडमिशन हुआ उसका, तो नर्सरी के बच्चों के लिए, केजी के बच्चों के लिए बेस्ट है ये, स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। जो मेरी डॉटर की बुक है, ज्यादा बुक नहीं है, 6 से 7 बुक है, 2 कॉपी है, 1 आर्ट की है, मतलब 10-12 है बुक्स, तो इसमें इजिली आ जाएगी, और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये हमारा जो है लास्ट प्रोडक्ट था। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी ड्रेस आपको ज्यादा अच्छी लगी, मुझे सच बताओ ना, मुझे सबसे अच्छी ये वाली ड्रेस लगी है,
पार्टी वियर ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी है। लिंक और कोड सभी के मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सबकी पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद तो आई होगी आई नो, और अगर थोड़ी सी हेल्पफुल हो लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देगा। और चैनल पे न्यू है पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा आगे ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। और कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप सभी लोग मुझसे पूछते हो कि आप वीडियो डेली क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, डेली क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, तो सॉरी गाइस, अभी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको आप सभी लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, अभी मैं वीक में 2 से 3 ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। और आप लोग का साथ रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो हो सकता है मैं डेली भी वीडियो अपलोड करने लगूं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, आपके साथ सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करिए, बस आपसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और जैसे कि ये महामारी चल रही है कोरोना वाली, तो इसमें अपना, अपनी फैमिली का, खासकर अपने घर के छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।